हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए थिन रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल वेरीज फ्रॉम ए टू बी एज लैम्बडा एज फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम ए। ठीक है, डिस्टेंस है ही। इफ एम इज द मास ऑफ द रॉड देन इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्स इज पासिंग थ्रू ए से निकल रही है एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज। जे मेन 2020 का क्वेश्चन है, चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, कौन सा होगा करेक्ट लेट्स सी नाउ। तो सबसे पहले मैं इसका कुछ डायग्राम सा बना लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए, मेरे पास ये रॉड है, ठीक है, और ये मेरे पास कुछ एक्सेस मैंने बना ली। यहाँ पे मेरे पास ए पॉइंट है और ये मेरे पास क्या है बी पॉइंट। ये रहा, ये पूरी रॉड है, इसकी लेंथ मेरे पास क्या है एल है और मास इसका एम है, ठीक है, कैपिटल एम। मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस मुझे दी भी रखी थी, मैंने एक्स डिस्टेंस ले ली ए से इधर आया, फिर मैंने यहाँ पे क्या एक एलिमेंट काटा डी एक्स लेंथ का, ठीक है। इसका मेरा मास क्या हो गया डी एम हो गया। यहाँ तक क्लियर होगा, हमें क्या है लैम्बडा दे रखा है, क्या लैम्बडा नॉट प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन एल, और इस पूरा जो है इसकी हमारे पास लैम्बडा दे रखा है, मतलब कि क्या है ये लीनियर लीनियर डेंसिटी को कहते हैं मास लीनियर डेंसिटी, है ना। ये होता क्या है एम बाई एल होता है, ठीक है। इसके लिए अगर मैं देखूँ तो एम बाई एल है, यहाँ पर बस लैम्बडा गिवन है ये क्वेश्चन में। तो अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका डी एम है तो मैं डी एम को ही निकाल लेता हूँ। तो डी एम मेरे पास क्या होगा, मेरे पास लैम्बडा दे रखा है तो लैम्बडा इंटू डी एक्स होगा। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो यहाँ से कहाँ तक मेरे पास देखिए मुझे जीरो से और एल तक ही तो चाहिए, तो ये मेरे पास जीरो से और कैपिटल एम तक होगा और ये जीरो से एल तक का डिस्टेंस है, तो ये हो गया मेरे पास कैपिटल एम इज इक्वल टू लैम्बडा, ये रहेगा डी एक्स। लैम्बडा की मैं वैल्यू डाल दी यहाँ पे, लैम्बडा नॉट वन प्लस एक्स अपॉन एल। मैंने ये क्यों किया देखिए, क्योंकि लैम्बडा वेरिएबल है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, अगर नहीं करता तो हम ये इंटीग्रेट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन है जीरो से एल तक, तो इसका इंटीग्रेट अगर मैं करूँ इसको लैम्बडा नॉट ये डी एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एल का, और ये लिमिट होगी मेरे पास जीरो से एल तक कैपिटल एल। ये मेरे पास एम कितना आ गया लैम्बडा नॉट, ये मैं जीरो डालूंगा तो खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ एल प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू एल, ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से अगर मेरे पास एम कितना आएगा, देखिए ये टू एल है, ये हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा टू एल स्क्वायर, तो ये थ्री एल स्क्वायर अपॉन टू एल, तो 3L स्क्वायर अपॉन 2L इंटू में लैम्बडा नॉट, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर लैम्बडा नॉट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, एक एल से एक एल गया तो ये हो जाएगा मेरे पास 2m अपॉन 3L, तो लैम्बडा नॉट मैंने निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि लैम्बडा नॉट हमें चाहिए था, m तो हमें गिवन है, लैम्बडा नॉट की मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। अब मुझे निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमें पता है कि भैया छोटे मास के लिए क्या हो जाएगा di हो जाएगा इंटू में आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो डी एम इंटू मैं डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, मैंने एक्स डिस्टेंस पे काटा है ना, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने एक्स डिस्टेंस भी एलिमेंट काटा है, एक्स डिस्टेंस भी ये मेरा एलिमेंट काटा है, तो ये एक्स डिस्टेंस तो होगा एक्स का स्क्वायर होगा, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। मेरे पास डी एम कितना था अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखिए एक मिनट, डी एम ये था मेरे पास, मैं इसको डी एम रखता हूँ स्मॉल एम इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो डी एम का मेरे पास ये आ रहा था ना, तो मैं इसको यहाँ डाल दूंगा, तो डी आई मेरे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आई बनेगा, और डी एम की इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूँ तो देखिए डी एम की वैल्यू मेरे पास क्या है लैम्बडा नॉट वन प्लस एक्स अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स के साथ रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और ये लैम्बडा नॉट बाहर आ जाएगा और इसके जीरो से एल तक डिस्टेंस जाएगी जो एक्स है मेरे पास। आई मेरे पास कितना हो गया लैम्बडा नॉट, यहाँ रख दिया मैंने। अब मैं इसको पहले इंटीग्रेट कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर एल इंटू इसकी पावर लिमिट होगी जीरो से एल, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, और चैनल है जहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर इसको बताऊँगा तो ये पूरा एक पेज भर जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है। आई मेरे पास कितना आ गया, अगर मैं जीरो डालूँगा तो ये जीरो हो गया, सिर्फ मैं अपर लिमिट डाल के देखता हूँ क्योंकि लोअर लिमिट से आपको पता है जीरो हो जाएगा। एल क्यूब अपॉन थ्री प्लस एल की पावर फोर अपॉन फोर एल, तो एक एल से एल गया, कितना बच गया मेरे पास यहाँ से अगर देखो, तो आई मेरे पास आ रहा है लैम्बडा नॉट, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ये एल क्यूब बच गया यहाँ पे, तो एल क्यूब है चार तीन बारह है, तो ये हो गया ऊपर सेवन एल क्यूब अपॉन ट्वेल्व, ये क्लियर है, ठीक है। लैम्बडा नॉट की वैल्यू हमने ये ली, तो ये लैम्बडा नॉट की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है टू एम अपॉन थ्री एल इंटू सेवन एल क्यूब अपॉन ट्वेल्व, करते हैं इसको सॉल्व, ये सिक्स और ये मेरे पास एक एल सी एक एल गया तो ये स्क्वायर बच गया, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास आई इज इक्वल्स टू सेवन एम एल स्क्वायर अपॉन में सिक्स थ्री जा एटीन, तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है, यही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है, ठीक है।
देखिए एक बात और, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दिया होता क्वेश्चन में, तो हम परपेंडिकुलर ही निकाला है। कैसे निकाला है मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास एक्सिस है, मैंने ये वाली इसके लिए इसके रेस्पेक्ट में निकाला, ए पॉइंट से पास हो रहा है और ये परपेंडिकुलर है रॉड के, बिल्कुल 90 डिग्री है। तो ये हमारे पास जो आई है ये हमने निकाला है, ठीक है। बहुत बारी कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई आपने सॉल्व तो कर दिया लेकिन हमने कैसे निकाला ये तो बता कुछ, कि इसके परपेंडिकुलर पूछा गया था। तो इसलिए मैंने देखिए ए पॉइंट से पास हो रहे हैं, ये ए पॉइंट से पास हो रही है एक्सिस हो रही है और ये क्या परपेंडिकुलर है इस रॉड के, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये वाला इसके परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास आई निकली है और यही इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर भी है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट बचता है कमेंट में आप पूछ सकते हो या फिर वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो। इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन की लिंक में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में।